हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज हमारे मंदिर में एक विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, जो हैं शांतनु सर। तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और बाद में बताती हूँ कि वो कैसे आए और हम मैं उनको कैसे जानती हूँ और वो कौन है। तो आइए सर, प्लीज़। और हमारे शांतनु सर को बहुत भूख लग गई है परफॉर्म करते करते, और वो इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं कि हम देखे रह रहे हैं, हमको गूज बम्स आ गए हैं उनका डांस देखते देखते। तो सर, आप अपने बारे में बता दीजिए ज़रा, प्लीज़। मैंने भरतनाट्यम सीखा है और भरतनाट्यम ही करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया था बहुत बार पहले, और नीरज मेरा स्टूडेंट है, हर्ष है, ये लोग मुझसे सीखते हैं। तो अचानक मुझे लगा कि हम लोग इस मंदिर में आके कुछ अगर शूट करें, क्योंकि मैं एक छोटा सा अपना रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ जितना मैंने डांस किया है। और ये कृष्ण का इतना सुंदर मंदिर है, मैम ने इतना सुंदर इसको प्रिजर्व करके रखा है, तो मैंने सोचा कि इसको हम और मैं बता दूं, मैं सर को 10 साल पहले से जानती हूं, जब से मेरी मुरली मनोहर डांस क्लासेस खुली थी तो सर ही आए थे उसको ओपनिंग करने के लिए, और नीरज जो है वो उसमें डांस सिखाते थे, तो नीरज ने सर से ही डांस सीखा हुआ है। तो नीरज जो है सर के शिष्य हैं, और यही गुरु शिष्य वाली परंपरा नीरज शिष्य परंपरा आगे को बढ़ा रहे हैं। हमारे छोटे से अल्मोड़ा शहर में भरतनाट्यम जैसी चीज आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है अल्मोड़ा वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कथक और डांस परफॉर्मेंस तो होती थी, लेकिन भरतनाट्यम की जो परफॉर्मेंस थी वो पहली बार मैंने देखी भी, और सर आए तभी उन्हीं की बदौलत हमने देखा। तो हम तो सर के बहुत ही आभारी हैं, ऋणी हैं, और सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तो नीरज की वजह से भी अल्मोड़ा में सर आए, नीरज और हर्ष भी मेरे डांस, हर्ष आ जाओ, ये हर्ष भी मेरी डांस क्लासेस में थे। तो कोरोना की वजह से मुझे वो डांस क्लासेस बंद करनी पड़ी, लेकिन क्या है कि नीरज और हर्ष ने फिर से डांस क्लासेस खोली है, नटराज डांस क्लासेस। तो अब उसमें सर आते हैं कभी नटराज, कभी नटराज इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे आके हम लोगों ने अभी सारे बच्चों को बहुत सुंदर कृष्ण का बहुत सुंदर अच्युतम केशवम जो गाना है, बहुत सुंदर एक गाना, वो गाना नटघट गोपाल के साथ, नटघट बच्चे और कृष्ण भगवान कृष्ण को किस तरह से हम बुलाते हैं लाते हैं, ये बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से, जो नटराज इंस्टीट्यूट का बच्चे हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। और सबसे सुंदर जब शुरू में पहले दिन आया, आके ही मैं यहाँ पे मुरली मनोहर आया, आके देखा कि नहीं, मुरली मनोहर में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना ही है, डांस करना ही है, शूट करने के। और सबसे अच्छा है कि मैम ने हमको यहाँ पे परमिशन दिया कि इस मंदिर में हम लोग आए। मित्र हैं अमित जी, अमित जी बहुत अच्छे फोटो लेते हैं, वीडियो करते हैं, और उनका अपना कंपनी है जिसमें वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। अमित जी जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया शूट करते हैं, और हमारे सर का शूट करने के लिए आए हैं, जयपुर से आए हैं ना सर, जयपुर से आए हैं। जी बताएंगे वो एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए बताने का। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। और बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और फोटोग्राफर कम सिनेमाटोग्राफर हम लोगों को बोलते हैं, जिसमें हम लोग फिल्म शूट करते हैं, और ज़्यादातर हम लोग सोशल इशूज़ हो गए, किसी की जर्नी हो गई, या ऐसे इशूज़ जो रिमोट एरिया में चल रहे होते हैं, तो अनटोल्ड जो हिडन स्टोरीज़ होती है वो सारी स्टोरीज पर हम लोग फिल्म बनाते हैं, और अब तक करीब 350 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हमने। तो देखिए अमित जी तो इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी शूट करती है, मुझे उम्मीद है कि एक दिन अमित जी मेरा भी शूट करेंगे मेरी स्टोरी भी शूट करेंगे, मुझे भी कवर करेंगे। तो अगर हमारे अल्मोड़ा में कोई भी शूट करवाना चाहता है तो अमित जी से संपर्क कर सकते हैं आप लोग, अमित जी बहुत अच्छे फिल्म शूटर है, शूटर शूटर ही होता है ना जो अच्छे से शूट करता है। साथ में हम सबको भी बुलाए, हम लोग आए यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखाएं बच्चों के साथ, नीरज के साथ। नीरज को तो आप जानते ही हैं, वो मेरे ब्लॉग में कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज मैं उनको वैसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ एज अ डांसर। तो नीरज ये हैं, डांसर भी है, गुरु भी है, बहुत बढ़िया डांस करते हैं। उनका ही इंस्टीट्यूट है नटराज डांस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मुझे बुलाया है उन्होंने बच्चों के साथ काम करने के लिए। हम लोगों ने शूट किया अमित जी के साथ, और मैम ने हमको अलाउ किया कि इतने सुंदर मुरली मनोहर मंदिर में आए, आके हम लोग कुछ शूट करें भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान जी हैं अंदर बैठे हुए,
उनके सामने। अरे मैं तो सर आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप इतने बड़े डांसर हैं, आपने मुझे तैयार होके बुलाया है कि मैम आप तैयार होके आ जाइए, रेड साड़ी पहनिए ये वो, बिल्कुल कांजीवरम मैंने पहन ली सर के कहने के अनुसार। तो कैसी लग रही हूँ गाइज मैं बताना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, सर का और काम है तो सर अपना सूट करते हैं, मैं आपको सूट दिखाती। थैंक यू, थैंक यू। ॐ नमः शिवाय। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्व बिस्किट चाय, बिस्किट खा लो बेटा। नहीं चाय तो नहीं पीऊंगा मैं, वो चाय नहीं पीता, खाली पेट भी तो होता है ना। मुकुट कुंडल करण गोटिया राघवे राघवे, मुकुट कुंडल करण गोटिया राघवे राघवे, कमल लोचन गति पिताम्बर लग रहा ना कॉस्ट्यूम। हां और भी है जैकेट, मोचन प्रति पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम, अधर मुरली गिरिधरम, अधर मुरली गिरिधरम, जिसमें वो क्या नाम है मगरमच्छ हाथी को पकड़ के ले जाता है। अच्छा। और हाथी चिल्ला रहा है, फिर भगवान विष्णु आते हैं उनको बचाते हैं। अच्छा। तो वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो दर्द
और हाँ, बहुत सुंदर उसको मार रहा है, उसको खींच के ले जा रहा है। नहीं बहुत ज़्यादा करेंगे अच्छा। ना मैं छोटा सा जा रहा था करके उसी मंदिर में, वो बहुत लंबा है पिंड, वो करते जाएंगे ना फिर लंबा चलता ही जाएगा, 8-10 मिनट तक चलता ही जाएगा, फिर कहीं पे गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे को तो मन कर रहा देखे रहो साक्षात कृष्णा आ गया ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं सबसे अच्छा है अचानक मतलब वो लगा कि भगवान जी के सामने, मुझे लगा कि यहीं पे फिर करते हैं बहुत अच्छा होगा फिर, और यही वाला गाना था मेरे पास सबसे अच्छा है, मैं तैयार भी करके आया था। हाँ एक खरबूज पार्टी हो रही है तो थक गए हैं सब लोग तो खा रहे हैं। हाँ मीठा हो रहा नहीं हो रहा खरबूज? बहुत अच्छा। और लाओ सर और कुछ। इंटरव्यू के लिए कैमरा सेटिंग चल रही है जयपुर से आया है मेरे लिए कैमरामैन इंटरव्यू मैं लूंगा। हाँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बताना है। हाँ मुझे बताएंगे क्वेश्चन, मैं पूछूंगा मैम को सर को क्वेश्चन पता है लेकिन मुझे आंसर पता नहीं है। हाँ हम बता देंगे आंसर, आप चिंता मत करो। ठीक है मैंने बताया था आपको। हाँ कैसे जानते हैं शांतनु सर को? सर आपका मैम नमस्ते। नमस्कार सर, मुझे ये पूछना था कि आपने शांतनु जी को पहले कब देखा है और कैसे उनके साथ आपका परिचय हुआ है शांतनु जी के साथ? शांतनु सर को मैं 10 साल पहले से जानती हूँ और नीरज के थ्रू जानती हूँ। सबसे पहले अल्मोड़ा में डांस क्लासेस नहीं थी तो हमने एक डांस क्लास शुरू की थी तो नीरज उसमें डांस सिखाते थे, तो नीरज जो है शांतनु सर के शिष्य हैं तो वो शांतनु सर को हमारे वहाँ वर्कशॉप के लिए लेके आए थे तो तब से मैं शांतनु सर को जानती हूँ। और भरतनाट्यम आपको कैसा लगता है और आपने पहले कभी देखा है भरतनाट्यम या शांतनु जी के थ्रू ही आपने भरतनाट्यम पहले देखा है? डांस फॉर्म के बारे में तो सुना था लेकिन अच्छे से देखा नहीं था, देखा मैंने सिर्फ शांतनु जी को है और आज तक सिर्फ शांतनु जी को ही देखा है डांस करते हुए और मेल डांसर के रूप में भी मैंने उन्हीं को देखा है और हमारे वहाँ तो पहले से मेल डांसर कम ही होते थे ऐसे क्लासिकल वाले, फोक डांस में तो करते ही हैं लोग मेल, लेकिन ऐसा जो ये क्लासिकल में मैंने देखा नीरज हर्ष तो देखा और उसके बाद मैंने सिर्फ शांतनु जी को देखा। हमारे क्योंकि हम छोटी जगह में रहते हैं अल्मोड़ा जैसी जगह में तो यहाँ मेल डांसर बहुत कम होते हैं वो भी क्लासिकल, लेकिन अब हो रहे हैं तो मैंने जब शांतनु जी का डांस देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें देखते रहूं, एक टाइम देखते रहूं और मैं भूल गई मैं कैमरा चला रही थी और अपने कैमरे को छोड़ कर मैं उनको देखने लगी। तो मेरे आप अगर कुछ बताएं और भरतनाट्यम अल्मोड़ा में जो कर रहे हैं वो आप किस कैसे देखते हैं, ऐसा लग रहा है आपको, और शांतनु जी यहाँ पे आते हैं भरतनाट्यम करते हैं सिखाते हैं उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो शांतनु सर यहाँ पे आते रहते हैं हर साल आते हैं मेरे ख्याल से तो, और क्या कहते हैं भरतनाट्यम जो है बहुत ही अच्छी फॉर्म है आर्ट की तो अल्मोड़ा में उनसे 100-200 बच्चे तो हर वर्कशॉप में जाते ही हैं उनसे सीखने, तो मुझे तो लगता है अभी 100-200 आ रहे हैं तो अगर सर आते रहेंगे तो ये तादाद होने वाली है हजारों में बच्चे आने वाले हैं और सीखने वाले हैं। बच्चों का बहुत ही अच्छा रुझान है भरतनाट्यम की तरफ बच्चों का ही क्या मेरा जैसे मेरे जैसे लोगों का बड़ी उम्र के लोगों का भी रुझान हो रहा है तो हो सकता है भविष्य में हमारे यहाँ की महिलाएँ भी शांतनु सर के पास जाए सीखने के लिए और वो मुझे भी देखेंगे कभी परफॉर्म करते हुए सर ने जो मुझे सिखाया है तो ज़रूर आएंगी और बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला है अल्मोड़ा में। और मुझे तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही कि हमारे छोटे से शहर अल्मोड़ा में भरतनाट्यम जैसी बड़ी चीज़ आ रही है वो भी शांतनु सर के थ्रू, और शांतनु सर की शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने बड़े कलाकार होकर हमारी इतनी छोटी सी जगह में वर्कशॉप करने के लिए आते हैं, नहीं तो कहाँ आते हैं बड़े बड़े कलाकार छोटी छोटी जगहों में और वो भी नीरज और हर्ष के थ्रू आ रहे हैं तो हमें तो नीरज और हर्ष का भी शुक्रिया अदा करना ही होगा पूरे अल्मोड़ा वासियों की तरफ से, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। विंटर्स में लेंगे अभी तो अभी तो बॉयल हो जाएंगे। ठीक है हम लंच कर रहे हैं, हम लंच में हमने बनाया है दही का जोला
हल्दी नहीं डालते वो लोग, दही चावल बिल्कुल दही चावल है, उसमें वो लोग सरसों वो डालते हैं, सरसों का तड़का। मैंने इसमें जीरे का तड़का डाला है, सादा बनाया है, और उसमें दही डाल दिया, नमक और दही। वो लोग सिर्फ नहीं नमक और ये ना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पचने में सुपाच्य। आपको तकलीफ हो रही थी ना, इसलिए मैंने बनाया था। बहुत अच्छा, पता नहीं कैसे हो गया, मैं होता नहीं इस तरह से। अरे वो गर्म और ठंडा हो गया ना, एकदम मौसम चेंज ना, बहुत रफ हम लोग काम करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो गाइस रात के 7:30 बज रहे हैं और हमारे वहाँ आ रहा है आंधी तूफान, और हमारे वहाँ सारी लाइट चली गई है। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।